पता नहीं क्यों मेरे से ज्यादा मेरी बहन हर एक ब्लॉक में ज्यादा एक्साइटेड रहती है। तो ये लोग निकलते एक रिक्शा से, मैं और मेरे दोस्त लोग निकलते अलग रिक्शा से क्योंकि उसमें जगह नहीं था। हम लोग जा रहे हैं टूटेश्वर नाथ मंदिर जो मेरे घर से करीब 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। गूगल मैप से ज्यादा ही पड़ता है क्योंकि घूम के जाना पड़ता है। मॉर्निंग के टाइम तो बस में हम लोग को सीट मिल गया। आज का मौसम भी बहुत ज्यादा सही है। हम लोग करीबन एक घंटा में भाई मतलब पहुंच जाते हैं बर्दीवास। आई नो ये भाई मतलब एक टेम्पो के हिसाब से हम लोग ज्यादा है लेकिन हम लोग एडजस्ट कर लेते मिडिल क्लास है ना भाई। मेरा सीट तो कोई कुछ स्पेशल था, मैं बाहर निकल सकता था उसी साइड से। इधर मेरे को हवा भी आता था एक सही वाला। मैं आधा रास्ता तो बाहर ही ऐसे निकल के गया था। मेरे को देख के मेरा दोस्त भी बाहर निकल जाता है। ये स्टंट भगवान की निगरानी पे किया गया, कृपया घर पे ना ट्राई करें। तो फाइनली हम लोग आ गए। मैं भी साउंड नहीं आ रहा होगा। सबसे पहले जाके हम लोग ने प्रसाद ली। सामने वाली बहन भी सोच रही होगी 50 रुपए के प्रसाद के लिए इतना भीड़, इन लोग का चप्पल तो सस्ता है, मेरा गुम हो गया तो गंदा लॉस लगेगा, अंदर छुपा के धरता हूँ। इधर से चल के हम लोग चले गए। जल लेने मम्मी ने जल ले लिया। अब चलते ऊपर। अरे मैं फोटो नहीं खींच रहा, वीडियो ले रहा हूँ। चलो चलो। देखो मुझे ठीक से पूजा पाठ करना नहीं आता क्योंकि मैं भाई मतलब भक्ति से ज्यादा कर्म में बिलीव करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ अगर तुम प्यासे को पानी नहीं पिला रहे हो तो अमृत पिलाने का भी कोई फायदा नहीं है। तुम माँ बाप को नहीं देख रहे, मंदिर जाने का भी कोई फायदा नहीं है। आजकल सबको केदारनाथ जाना है, किसी को अपना कर्म नहीं सुधारना। मैं किसी और के बारे में तो नहीं बोल सकता लेकिन मैं अपना कर्म सुधारूंगा। मैं अपने मतलब के लिए किसी को हर्ट नहीं करूंगा। महादेव अच्छे कर्म से मिलते हैं, डेली स्टोरी पे रील लगाने से नहीं। महादेव कठोर तपस्या से मिलते, एक महीना सब छोड़ के फिर से दोहराने से नहीं। ये छोटे क्रिएटर का फोटो शूट चल रहा है। ऐसा चला मंदिर के वाला। फोटो तो अच्छा रहा है, वैसे शक्ल का क्या करेगी? तू भी ब्लॉग बनाती है ना? ब्लॉग अभी नहीं बनाती बट बनाऊंगी। तो चले एक फैमिली फोटो ले लेते। सब लोग को मैंने बुला दिया, सब लोग आ रहे धीरे धीरे करके। हर बार मेरा फोटो मेरा फ्रेंड ही क्लिक करता है, अच्छा नहीं करता लेकिन मैं हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अरे वो लोग किधर जा रहे, उस साइड कहाँ जा रहे भाई? उस साइड पहाड़ में, उस साइड कुछ रास्ता वस्ता है। मम्मी भी जा रही है, मैं भी मम्मी के पीछे पीछे इस साइड से जाने लगा था। तो मेरे को याद है मैं तो लंबा हूँ, मेरी मम्मी बस छोटी। मैं ऊपर से चढ़ के गया। ये दो लोग ने देखा अभी, ये दोनों सस्ते ब्लॉगर है। मतलब नॉर्मली ऐसा होता है ठीक है कि अगर कोई बच्चा ब्लॉग कर रहा है तो उसको पेरेंट्स बोलते हैं मत कर। मेरे साथ उल्टा हो रहा है, मेरे मम्मी बोल रही है उनको भी चैनल चाहिए, उनको भी ब्लॉग करना है। क्या ही बोले भाई। और ये एक भी, ये भी है, इसको भी ब्लॉग करना है। मैंने तो मजाक में बोला था यूट्यूब पैसा देता। मतलब इतने लालची लोग भाई। तो वो लोग आगे चले गए, मैं भी जा रहा हूँ भाई जल्दी जल्दी करके लोग को छोड़ के। वे इधर तो घर एक हंटेड हाउस, पानी टंकी है। तुम लोग अंदर कैसे गए बे? देख रहे हो भाई इधर फोटो शूट चल रहा है। और ये क्या काज कर रहे हो भाई? ये क्या है बे? बे ये क्या कर रहे हैं? पानी का तस्करी कर रहा है भाई। इन लोगों को कुछ मिल गया है। क्या क्या अंदर भाई? पानी भर दी। नहीं नहीं पानी ही में भर दी। ऐसे सरोव को बंद करो, सरोव को बंद करो। के अंदर जमा हुई है। चलो चलो वापस चलो वापस चलो। बे तेरी एक्स इधर ही मिल सकती है हम लोग को ना? हाँ, नहीं मेरी कहाँ से मिली? चलो बैंगटा नहीं मिली। हाँ वही तो, इधर बैंगटा नहीं मिलता, इधर सांप मिल सकता। बैंगटा मिस फ्रॉग होता है। हंसते चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। चलो नानी चलो चलो नानी चलो। देख रहे हो ये लोग पत्थर के साथ फोटो खिंचाना चाह रहे हैं। रुक रुक ना, देखो ना क्या चल रहा है। फोटो सेशन। मम्मी ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, मैं फोटो खींच देता हूँ, ऊपर चढ़ जा। इधर से कोई गिरेगा तो बचेगा कि नहीं? बचेगा, आराम से कूद के देखो। क्या दिखा रहे हो? क्या दिखा रहे? दोसर के गांव से। दोसर के गांव से कौन सा गांव? उधर इधर कैमरा लगा हुआ है ठीक है, दूसरे एंगल के लिए। इधर आगे छोला भाई
बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और ये गरीब लोग सर अब टेस्ट कैसा है बोलना इन दोनों को तो सबसे ज़्यादा भूख लगा था भाई। जैसा कि मैंने कहा था इन दोनों को सबसे ज़्यादा भूख लगा था। देखो एक बस मुड़ी खा रहा है अभी, मैं इधर ही बैठ जाता हूँ भाई, ये लोग उस साइड जाके कोई खड़ा खा रहा है कोई, मतलब ये लोग खड़े खड़े खा रहे, इतना ही इन लोग को भूख लगा है। तो मैं अभी रिकॉर्ड कर लेता हूँ जो अभी तुम लोग ने देखा होगा। ये ऊपर मैंने कैमरा लगा दिया था, कैमरा थोड़ा नीचे होना चाहिए था, चलो लेकिन ठीक ही है। तो इधर धूप आ गया भाई, हम लोग बैठे थे इधर धूप आ गया। कैसा लग रहा है गर्मी में खाने में गर्म गर्म? ये लोग उस साइड भाग गए लेकिन उधर भी धूप आ रहा है। खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा टाइम और घूमते हैं, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं ना मैंने उसे जबरदस्ती नहीं बैठा, वो खुद उधर बैठी है। तो इस बार सही से पूरा सब लोग आ गए, ये ऊपर जाके बैठी हुई है ये दोनों। ये टेम्पो से हम लोग बर्दीवास आते हैं, बर्दीवास से दूसरा गाड़ी करते, दूसरा गाड़ी बुक करके जनकपुर। वीडियो इधर ही खत्म हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।